दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल आपका आईक्यू टेक्निकल में इस्तकबाल करता हूँ। ओप्पो ने अपना नया नवेला एकदम फ्रेश स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है इंडिया में। जी हाँ, ओप्पो F15, जिसकी प्री ऑर्डर बुकिंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर शुरू है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओप्पो F15 बहुत ही लाइट और स्लिम है। इसकी थिकनेस 7.9 मिलीमीटर और वेट 172 ग्राम है। मुझे लगता है कि ओप्पो F15 एक कम्प्लीट पैकेज है, अगर बात करें इसके डिज़ाइन की, डिस्प्ले की और बैटरी की। तो चलिए देखते हैं कि और भी क्या कमाल किया है ओप्पो ने F15 में। शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। ओप्पो F15 में 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है नॉच के साथ, जो बहुत ही वाइब्रेंट और क्रिस्पी है। वीडियो देखने का एक्सपीरियंस इसमें ऑब्वियसली IPS से बेटर होगा, और एक्सीडेंटल ड्रॉप का विजन रखते हुए इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बैक इसका पॉलीकार्बोनेट का है, लेकिन डिज़ाइन को ऐसा फिनिश और लुक दिया गया है कि लगता है कि ये ग्लास बैक है। ये दो कलर्स में अवेलेबल है, एक यूनिकॉर्न व्हाइट और दूसरा लाइटनिंग ब्लैक। अब बात करते हैं फोन की जान, प्रोसेसर की। ओप्पो F15 में हीलियो का P70 प्रोसेसर दिया गया है। प्रोसेसर पुराना है, अगर हीलियो का P80 होता तो और बेटर होता। एनीवेज P70 भी बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, गेमिंग मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। फोन को जागता और भागता रखने के लिए 4000 mAh की मैसिव बैटरी दी गई है, और उसे चार्ज करने के लिए Wook 3 20 वॉट फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स साथ में आता है, जो फोन को हाफ एन आवर में 50% तक चार्ज कर देगा। फोन में USB Type-C पोर्ट है। बातों बातों में कैमरा डिपार्टमेंट को तो मैं भूल ही गया। ओप्पो का दूसरा नाम ही कैमरा फोन है, क्योंकि ये कैमरा के लिए खास जाना जाता है। ओप्पो F15 के रियर में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर। फ्रंट में डिस्प्ले के नॉच में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। ये ओप्पो F15 के कैमरा के कुछ सैंपल्स हैं जो आप देख रहे हैं। वीडियो के फीचर्स में स्टेबिलाईजेशन मोड और AI ब्यूटी मोड भी शामिल है। ये फोन एक ही वेरियंट में आता है, 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ, जिसे 256 GB तक के SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। थैंकफुली इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दिया हुआ है SD कार्ड के लिए, तो इसमें 2 SIM और SD कार्ड एक साथ यूज कर सकते हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए ओप्पो F15 को अनलॉक करने के लिए पैटर्न लॉक के अलावा दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, एक फेस अनलॉक और दूसरा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, और दोनों ही बहुत फास्ट काम करते हैं। तो ये था सारा जुगाड़ जो ओप्पो ने F15 में किया है, और इसका हर्जाना है 19,990 रुपये। मेरे ख्याल में ये प्राइस इन स्पेसिफिकेशंस के साथ ओप्पो ब्रांड के लिए एक्सेप्टेबल है। आपका क्या कहना है, कैसा लगा ओप्पो F15 और ये वीडियो, कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।